तो लेडीज एंड लेडोज, जैसा कि आप देख रहे हैं ये प्रोग्राम केबीसी यानी कौन बनेगा करोड़पति। तो आज हमारे पास दो कैंडिडेट्स हैं। आप सोच रहे होंगे कि ये दो कैंडिडेट्स कहां से आए। बिल्कुल सही सोच रहे हैं, तो हम आपका इसका जवाब देते हैं। बल्कि हमसे ये गलती हो गई थी कि एक चिट्ठी में से दो नाम निकल आए, इसीलिए ये दो कैंडिडेट्स यहाँ पर बैठे हैं। तो बिना किसी देरी के हम ये प्रोग्राम शुरू करते हैं। इन दोनों में से एक सवाल करेंगे, जो सवाल का जल्दी जवाब देगा उसको हम अपना प्रोग्राम का कैंडिडेट चुनेंगे। तो सवाल ये है कि वो कौन सा इंसान है जो शरीफ होकर भी शरीफ नहीं। जो इस सवाल का जल्दी जल्दी जवाब देगा वही होगा आज हमारे प्रोग्राम का पहला कैंडिडेट। ये कैसा सवाल, शरीफ होकर भी शरीफ नहीं। नवाज शरीफ। वाओ, बिल्कुल सही जवाब। आप क्यों रो रहे हैं? मैंने खुद इसका जवाब नहीं दिया, मुझे आ रहा था इसका जवाब। मैंने सोचा कि जो नवाज शरीफ है उसका भाई भी तो है शहबाज शरीफ, वो भी शरीफ नहीं है। बिल्कुल सही जवाब। मैंने तो ये सोचा ही नहीं था कि ये भी इसका जवाब हो सकता था। आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है, तो आप ही आज खेलेंगे हमारे साथ इस प्रोग्राम में। तो आइए हमारी कुर्सी को गंदा कीजिए मिस्टर गंदा जी, बैठिए। तो हाँ जी, आज आप किसके साथ आए हैं इस प्रोग्राम में? क्या आज आप अकेले आए हैं? जी नहीं, मैं अपने बड़े कमीने सॉरी, मैं अपने बड़े भाई के साथ आया हूँ। तो हाँ, बड़े कमीने करता है यार। तो आ, बड़े भैया जी आप क्या करते हैं, तो जरा बताइए हमारी ऑडियंस को। अबे कुछ करता तो यहाँ पे आता, किसने तेरे को बिठाया है यहाँ पे? नया ती वेला और बेरोजगार आदमी हूँ, अपना काम करना, तू पर्सनल क्यों हो रहा है? तो शुरू करते हैं आज के सवालों का सिलसिला, जो कि आपकी मोबाइल स्क्रीन पे। अभी पहला सवाल बहुत आसान हुए, यूं जवाब दूंगा यूं। तो हाँ जी, आपसे सवाल ये है कि जब न्यूटन दरख्त के नीचे सो रहा था और उसके ऊपर एक सेब गिरा था, तो उस वक्त सेब कितने किलो बिक रहे थे? तो आपके ऑप्शंस हैं ए 60 रुपीज, बी 70 रुपीज, सी 80 रुपीज एंड डी 90 रुपीज। अभी ये किसा सवाल पूछ लिया इसने। तो होस्ट जी, आपने तो एक ऑप्शन ही नहीं दिया। उस वक्त सेब किलो के तौर पर नहीं, डजन के तौर पर बेचते थे। तो मोबाइल जी, ये ऑप्शन लॉक किया जाए। बिल्कुल सही जवाब, आप जीते हैं 151 रुपए, जो कि आप हमें कभी भी शादी ब्याह या फिर हाथ में भी दे सकते हैं। अबे किससे जुड़ जा रहे तू? घर से मुझे ये कह के साथ लाया है कि रात में खेलेंगे, जवाब सही हो या गलत, यहाँ आके खिला ही नहीं रहा। जा जा जा, मैं नहीं खेलूंगा किसी भी कीमत पे, तू मैं नहीं खेलूंगा, नहीं खेलूंगा, जा। तो अगला सवाल आपसे ये है, जो कि आपकी मोबाइल स्क्रीन पे है। तो बताइए, सलमान खान की लेटेस्ट मूवी है, उसका नाम डैश डैश जिंदा है में क्या जिंदा है? आपके ऑप्शंस हैं ए कुत्ता, बी गधा, सी बिल्ला, डी चीता। सोच समझ के जवाब दीजिएगा। अभी ये कैसा सवाल है? तो होस्ट जी, मैं एक लाइफलाइन लेना चाहता हूँ। तो आप लाइफलाइन की लाइफ बिगाड़ना चाहते हैं? तो बताइए क्या है वो लाइफलाइन? मैं अपने पार्टनर को बुलाना चाहता हूँ। अबे जा जा जा,
जा, किसी भी कीमत पे नहीं आऊंगा मैं, किसी भी कीमत पे नहीं आऊंगा, चल जा। अबे मैं तो ये पैसे आधे आधे करने की सोच रहा था। मुझे डी में गड़बड़ लग रहा है। आप मुझ पे शक कर रहे हो भाई? मैं पैसों की लालच में नहीं आया, मैं पैसों की लालच में बिल्कुल नहीं आया, मुझे अपने भैये का प्यार खरीद के लाया है। मुझे डी में गड़बड़ लग रही है। चीते को इंग्लिश में क्या बोले वे? लायन बोले वे, लायन है। अबे जाहिल हो, अनपढ़ हो, गवार हो, चीते को इंग्लिश में टाइगर कहते हैं, टाइगर। हाँ सर, वही वही वही, चीते को अंग्रेजी में टाइगर कहते हैं सर, वही वही लाग करें। तो मोबाइल जी ऑप्शन डी को ला कर दीजिए। बिल्कुल सही जवाब, और आप जीते हैं एक गुलाब जामुन का डब्बा और साथ ही में 5 करोड़। मुबारक हो। ये 5 करोड़ जीत गए। तो होस्ट जी, ये जो गुलाब जामुन का पैकेट है, ये ताला है ना, अभी लेके आइए। जी नहीं, गुलाब जामुन का डब्बा जो है ना, वो 1 महीने का रखा हुआ है और साथ ही एक्सपायर भी है। तो मैं ये 5 करोड़ आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर रहा हूँ, ये मैं कर रहा हूँ, ये मैंने कर दिए। अभी ये पैसे क्यों नहीं आए? करोड़ आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए गए हैं।